Oh my God. Oh. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कुछ मंदिर है, और ऐसा पूरा चूड़ियों का बाजार जैसा बना हुआ है। चैनल घुमक्कड़ वी के। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं हूं इस वक्त द फोर्ट पोखरण में, और तारीख है आज 30 जनवरी। मैं बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा यार ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट कल रात सब कुछ बता चुका हूं आपको। मैं सीधा क्विक टूर पे लेके चलूंगा आपको द फोर्ट पोखरण में। पोखरण क्या जगह है क्या नहीं है वो भी मैं कल बता चुका हूँ। वो जानने के लिए ऊपर आई बटन में आपको मेरा पिछला व्लॉग दिख रहा होगा, वो ज़रूर देखें। सपोर्ट पोखरण। तो लीजिए भाई, आपके लिए तैयार है फोर्ट पोखरण। काफ़ी सुंदर और विशाल। तो ये वाली ग्रैंड एंट्री जो हमारी कल हुई थी, पूरा दरवाज़ा खुल के, वो तो आपने देखी होगी। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ अंदर। और ये है पूरा फोर्ट। यार हिंदुस्तान में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं है। और ये पूरा, अगर किसी ने ट्रॉय देखी हो तो वो वाला फील देते हुए ये दरवाज़ा तोड़कर जो है दुश्मन अंदर घुसते हैं, और ये सब मशाले जल रही हैं टाइप्स। तो मैं कह रहा था हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग ना वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अब पोखरण जैसा छोटा सा एरिया है, वहाँ तक बहुत ही कम लोग आ पाते हैं ये सब देखने के लिए। सो एनीवे, ये एक प्राइवेट स्पेस है, बट एज़ यू नो हमारे लिए तो कोई भी प्राइवेट स्पेस है नहीं। हम अभी यहाँ पर भी जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये जो फोर्ट है पोखरण, ये भी कुछ काफ़ी सालों पुराना फोर्ट है, लेकिन यहाँ तक जो है लोग आते नहीं हैं। आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी है, वो भी हमारी, नो गेस्ट। बहुत बड़ा होटल है, मतलब हेरिटेज होटल में इसको तब्दील कर दिया गया है। तो मैं फोर्ट में ही रह रहा था अभी, मतलब मैं, हम लोग बैक साइड पे, मैं अभी अपने रूम की तरफ भी लेके चलूँगा। क्या रास्ता था, कैसे था। दूसरी गाड़ी बस यहाँ के मैनेजर की है। भाई पूरा फोर्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा फोर्ट है कि मैं क्या ही बताऊँ। हालांकि मैं ऐसे ऊपर सब जा सकता हूँ, बट मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि सेम अगेन हमारे पास टाइम की बहुत ही कमी है। और हमें अभी यहाँ से निकलना है जैसलमेर, वहाँ से जाना है जयपुर, और वहाँ पर भी 2 पैलेसेस देखने हैं, सब फोर्ट्स देखने हैं। सो आप समझ रहे हैं ना कि कितना लेट हो जाऊँगा मैं, इसलिए मैं जान बड़ा है प्रॉमिस कि मैं एक बार आऊँगा इस जगह, इस जगह के। इनफैक्ट मैं जितने भी पैलेसेस देखता हुआ जा रहा हूँ, मैं हर उस पैलेस में, हर उस फोर्ट पे मैं आऊँगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा पूरा एक एक दिन लगा के मैं उनको शूट करके जाऊँगा, जैसे कि मैंने हुमायूं टॉम को शूट किया था पूरा। क्योंकि ये जो बहुत ही रिच हिस्ट्री है, आई वॉन्ट के लोगों तक पहुँचे और लोग इसको देखें, समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब जगहों पर आएं और देखें कि यार खूबसूरती का लेवल बहुत अलग है यहाँ पर। अलग लेवल खूबसूरती है, और हम लोग आएंगे नहीं, यहाँ रहेंगे नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट कैसे करेंगे। और ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट। सो मैं बताना चाहूँगा कि ये यहाँ से आके, ये हमारा रूम जो कि हम चेकआउट कर चुके हैं, और सुबह मैं यहाँ खड़ा था। हाँ सुंदर है यार, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी
रहने के हिसाब से तो बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब आप देख रहे हैं कितने लेवल्स पे बना हुआ है, कितने सारे दरवाजे हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। हम ऊपर जा सकते हैं, मतलब कहीं पे भी अंदर भी जा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर होटल या प्रॉपर। ओ इट्स इंटरेस्टिंग यार, आई थिंक ये कुछ तो मंदिर वगैरह या ऐसा कुछ है। ओ माय गॉड, ओ बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये कुछ मंदिर है और ऐसा पूरा चूड़ियों का बाजार जैसा बना हुआ है। इसके बारे में मैं ज़रूर आगे जाके पूछता हूँ। मुझे अचानक से बहुत ही अजीब सा भारीपन होने लगा यहाँ पर, और मैं मतलब कुछ भूल ही नहीं पाया उस वक्त तो कुछ भी, और अजीब सा सब कुछ ये पूरा नज़ारा देख के। और ये कुछ यहाँ पर अजीब सी गुड़िया वगैरह भी रखी थी, मैं काफ़ी डर गया और बस मैं भागा वहाँ से जितना जल्दी हो सकता है। फ़ोटो भी है, मैंने क्योंकि शूज़ पहने इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, बट इसके बारे में भी जानते हैं आगे चल के। तो अभी फटाफट से अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। और एक सुंदर सा बुर्ज, तो भाई इसी के साथ वक्त की कमी के कारण प्रस्थान करते हुए फटाफट से जैसलमेर की ओर गाड़ी वार्म होने के लिए लगा दी है। गाड़ी का वार्म अप चल रहा है और अब चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया कि मैं रात को इस फोर्ट में पहुंचा था और सुबह मेरे साथ जो भी ये थोड़ा सा एक स्पूकी सा इवेंट हुआ जो कि थोड़ा अजीब था, मुझे भी समझ नहीं आया, बट ठीक है अभी जो हो गया सो हो गया, मैं उसको बहुत ज़्यादा ऐसा इशू नहीं बनाना चाहूँगा। बट तो ये कल रात का जो वीडियो आपके सामने अभी चल रहा है, जब ये मैं शीशे के सामने अपना अपने से बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि हम लोग पोखरण में और पोखरण जगह जो है वो किस लिए मशहूर है, तो एक्चुअली में मेरे पीछे से एक परमाणु विस्फोट हुआ। अगर आप सुनना चाहें वो तो गौर से सुनिए, वो वीडियो मैं 3-4 बार चलाकर आपको दिखाता हूँ, आपको गौर से सुनना ही पड़ेगा। जोधपुर से कुछ 130-140 किलोमीटर पहले है और हम लोग यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि जैसलमेर, अगर हम जोधपुर से कुछ 130-140 किलोमीटर पहले है और हम लोग यहाँ इसलिए रुके जोधपुर से कुछ 130-140 किलोमीटर पहले है।